का जो फी है हमारे, जो ट्यूशन फीस है 120 रुपए का, उसको और 108 एंड 120 जो डिफरेंस है बी ए एम ए और एम फिल पी एच डी का, वाइस चांसलर को अगर इतना शौक है रजिस्ट्रेशन का तो उसको पे करते हुए हम अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे। जो हमारा ट्यूशन फीस है वो हमारा एकेडमिक, जो बोल रहे हैं कि हम एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वी विल बी रजिस्टरिंग विद आर एकेडमिक रजिस्ट्रेशन फीस, बट वी आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी ऑफ आर हॉस्टल फीस बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फीस दैट हैज़ बीन हाइक। और अभी तक बार बार जो एम एच आर टी की तरफ से भी बोला जा रहा है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो वाइस चांसलर ने किया है गलत किया है, तो हम लोग बार बार बोलना चाहते हैं जो फी आपने हाइक किया है वो हॉस्टल फीस है और हॉस्टल फीस हम लोग कतई पे नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी लंबी लड़ाई हमें लड़ना है। दैट इज़ वेरी क्लियर विद द जे एन यू स्टूडेंट्स यूनियन। और हम ये जो ह्यूमिलिटी हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ हुए है उसको इस वाइस चांसलर ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एक तरीके से ह्यूमिलेट किया है उसको हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई अगेन वॉन्ट टू थैंक द मीडिया कि आप लोग जिस तरीके से सच्चाई को सामने दिखा रहे हो आप दिखाइए, एंड स्पेशली थैंक द साबरमती हॉस्टल रेसिडेंट्स, दे हैव बीन टू करेजियस, मतलब आई कांट इवन से हाउ मच करेजियस। अगर वो सारे वीडियोज वो नहीं बनाते शायद आज क्राइम बांस इस चीज़ को और पता नहीं कौन सी नैरेटिव में पहुंचा देते। द वुमेन हैव बीन ट्रिमेंडसली करेजियस इन दिस यूनिवर्सिटी, लेट मी से इट क्लियर, क्योंकि उनके बगैर शायद ये लड़ाई, ये जो हमारी 75 दिन की लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाती है। लेकिन आप देखिए, थोड़ा डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी क्या दिक्कतें हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि जे एन यू एस यू क्यों नहीं चाहता है कि हम लोग ये हॉस्टल का जो मामला है इसको हम लोग क्यों बार बार बोल रहे हैं कि वी कांट एक्सेप्ट। लेकिन मैं पुट इट इन बुलेट पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस को अभी तक माना नहीं जा रहा है। रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एम एच आर डी का यही बोलता है कि आपकी जो भी पॉइंट्स है आई एस ए मैनुअल को लेके आप आई एस ए मीटिंग में डिस्कस करोगे, वो अभी तक आई एस ए मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ही जे एन यू एस यू को बुला के कोई डिस्कशन हुआ है, आपके हॉस्टल प्रेसिडेंट्स भी नहीं, उनको कैसे बुलाया गया है पहले के टाइम में भी हमें पता है। 10 मिनट पहले मेल आता है, बोलता है आइए बातचीत करते, बातचीत कैसा होता है प्रेजेंटेशन, ओके पास पास पास, दिस इज द वे स्टैट्यूटरी बॉडी मीटिंग्स आर हैपनिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर यूनिवर्सिटी, लेट मी पुट इट क्लियर। लोग जे एन यू की तरफ देखते हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी बनना है, अगर ये यूनिवर्सिटी का हाल है तो आई एम रियली सॉरी, नहीं आप बाकी यूनिवर्सिटी को हम बोलना चाहते हैं प्लीज ऐसे मत बनो ये जो वाइस चांसलर कर रहा है इसके साथ। सेकेंड ऑफ ऑल पुटिंग इट क्लियर, एम एच आर डी ने बोला था लीनियंट व्यू, ये मैं स्पेशली मीडिया को देना चाहती हूँ, लोगों की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ब्लॉक किया गया है आप देखिए, जिनके ऊपर सिर्फ इंक्वायरीज है, सिर्फ इंक्वायरी है, शो कॉज भी अब तक के दायर नहीं किया गया है, सिर्फ 300 छात्र जिनके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है उनका देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, एकेडमिकली सस्पेंडेड बाय चीफ प्रोक्टर ऑफिस, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुआ है, एमएचआरडी बोला है लीनियंट व्यू लीजिए प्रोटेस्ट के लिए, और ये इनका लीनियंट व्यू है, एकेडमिकली सस्पेंडेड बाय चीफ प्रोक्टर, 300 छात्र है, इनको ये अभी बोलने वाले है कि छात्र नहीं है और ये आउटसाइडर्स है, तो ये एक्सपोज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब एमएचआरडी हमें मीटिंग के अंदर बोल रहा है नहीं नहीं हम लोग एकदम वाइस चांसलर को समझाएंगे और आप लोग भी आप भी पॉजिटिवली लीजिए, हमने एमएचआरडी के सेक्रेटरी को क्लियरली हम चारों ने कल बोला, हम पहले दिन से डायलॉग चाहते, इसलिए 2 जनवरी को भी डायलॉग के आशा में 4 लोग लेटर लिख रहे थे वाइस चांसलर को कि प्लीज़ डायलॉग कर लीजिए इस क्राइसिस को एंड करने के लिए। लेकिन आज भी लीनियंट व्यू एमएचआरडी बोलने के बावजूद लोगों के रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है, तो एमएचआरडी को फिर से हम लोगों ने आज बोला है जॉइंट सेक्रेटरी को कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वाइस चांसलर को बोलिए और ये सारे चीज़ अनब्लॉक इमीडिएटली कीजिए, बिकॉज इंक्वायरी इज एन इंक्वायरी, वी कांट कन्विक्ट पीपल ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग देयर एकेडमिक एक्टिविटीज विद इन दिस यूनिवर्सिटी, दे कांट। एंड एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर साहब एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि लेट्स फॉरगेट पास्ट एंड लेट्स स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, तो हम लोग और एमएचआरडी ने भी बोला कि स्टूडेंट एक कदम आगे बढ़ाए जहाँ से विश्वास कायम हो, तो जैसे कॉमनेट ने बताया कि हम लोग 120 और 108 रुपये का जो ट्यूशन फीस है उसको पेमेंट करके आगे बढ़ करके हम अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है
अब वो एक कदम आगे बढ़ाए कि जो बढ़ाया हुआ फीस है उसको घटाए, तब तब हाँ जो हॉस्टल का फीस है तब माना जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कदम आगे बढ़ा रहा है। मतलब हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं और हम लोग 120 और 108 का जो ट्यूशन फीस है उसको हम लोग भरने जा रहे हैं, लेकिन रुकेंगे कि जब तक हमारा हॉस्टल का फीस कम नहीं किया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे कैसे बढ़ रहा है? वो नया नया इंक्वायरी डाल दे रहा है, वो FIR डाल दे रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमको बोल रहा कि आप भूल जाइए आगे बढ़िए, लेकिन वो जस का तस बना हुआ है और उसका जो प्यूनिटिव एक्शन है वो एक के बाद एक लिए जा रहा है। साथ एक मिनट, जस्ट लास्ट पॉइंट जो मैं समराइज करना चाहूँगी कि जो सर्कुलर मैंने पहले भी बोला कि एक सर्कुलर आया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑडिट ऑफ हॉस्टल्स होंगे। JNU स्टूडेंट्स यूनियन कंडेम्स एनी काइंड ऑफ सच ऑडिट्स। हम कतई नहीं अलाउ करेंगे। आपके गुंडे इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं, तो वो प्रोफेसर आज हमारा चेकिंग करेंगे। तो हम JNU स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि वी हैव इलेक्टेड आवर हॉस्टल प्रेसिडेंट, वी हैव इलेक्टेड आवर हॉस्टल कमिटीज। अगर किसी भी वार्डन को चेकिंग करना होगा वो सबसे पहले हॉस्टल प्रेसिडेंट को और कमिटी को इन्फॉर्म करेगा, और साथ साथ JNU स्टूडेंट्स यूनियन को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद ही किसी हॉस्टल में हॉस्टल चेकिंग होगा। उसके बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा हॉस्टल चेकिंग के लिए। जिस तरीके से ये लोग, क्या गारंटी है कि तपन कुमार बिहारी कल के अपने घर पे जो पहले भी गुंडा रखा था और अभी भी नहीं रखेगा? तो आप किस तरीके से, कौन से आप पोजीशन में है, किस मॉरल पोजीशन में कि आप आके कल हमारा हॉस्टल चेकिंग करोगे? कौन से पोजीशन में है? हमारे पास ऑलरेडी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज है और आज आप कहीं ना कहीं उसको रुइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बार बार अपील कर रही हूँ कि आपके हॉस्टल्स में जो कमिटीज है आप लोग इमीडिएटली GBMs कीजिए और इसको पास करवाइए कि विदाउट योर हॉस्टल प्रेसिडेंट्स एंड हॉस्टल कमिटी नो चेकिंग इन एनी हॉस्टल विल हैपन, नो चेकिंग। क्योंकि और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IHA मैनुअल का डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी इस टाइम पे वो लोग हॉस्टल चेकिंग में जाएंगे तो बढ़ा हुआ फीस, बढ़ा हुआ फाइंस लगाएंगे, और हॉस्टल वार्डन्स के पास ये कहीं ना कहीं सारा पावर दे रहा है आपका एविक्शन करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और किसी भी तरीके से जब तक आप IHA मीटिंग बुला के डिस्कशन नहीं करोगे और ये सारी चीज़ को वापस नहीं लोगे, तब तक हम एकदम नॉन कोऑपरेशन के साथ जाएंगे। कोई भी कहीं पर चेकिंग नहीं होगा, आप रेड नहीं कर सकते इस तरीके से। इस हालत में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जैसे कि आपने कहा की बात कही, दिल्ली पुलिस की बात कही। हाँ, एक कॉल हम यहाँ से एक और देना चाहते हैं कि मंडे ITO में हमारा एक प्रोटेस्ट का कॉल है दोपहर की 2:30 बजे। तो ये कॉल हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं विद द इनसेंसिटिविटी द दिल्ली पुलिस इज गोइंग अहेड विद देयर जांच के लिए, सर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस तरीके से बायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो हम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हम सबको अपील कर रहे हैं पूरे दिल्ली में जो लोग हैं, बिकॉज आज ये JNU का बात नहीं है। लेट मी पुट इट क्लियर, जामिया में 20 दिन पहले ये चीज़ हुआ था। लेट वी शुडंट फॉरगेट कि आज ये सिर्फ JNU के साथ हो रहा है, जामिया में एग्जैक्टली ये चीज़ हुआ था और इससे खतरनाक हुआ था। लेट मी पुट इट, पुलिस घुस के वहाँ पे लाइब्रेरी तोड़फोड़ कर दिया, वहाँ पे जो सारे उनके चीज़ें उसको तोड़फोड़ कर दिया। व्हाट जस्टिस डिड द जामिया स्टूडेंट्स गेट? AMU में आपको पता भी नहीं चल रहा है कितने स्टूडेंट्स शायद अंदर होंगे जेल के, उनको उठा लेके जा रहे हैं। और ये जो इस्लामोफोबिक नेचर है पुलिस का, लेट मी पुट इट क्लियर, द वे दे टारगेट स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज देयर इस्लामोफोबिक नेचर दैट दे हैव टारगेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया। और मैं एक बार भी पीछे नहीं हटूंगी ये बोलने के लिए, चाहे कुछ भी कर ले दिल्ली पुलिस, मैं नहीं हटूंगी, क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स को हमें आगे रखना पड़ेगा अपनी लड़ाई में। जब तक हम नहीं आगे लड़ पाएंगे हम अपनी लड़ाई को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। और ये आज JNU का मैटर सिर्फ नहीं है, आप लोगों से अपील है कि अगर हम लोग मंडे जा रहे हैं तो सिर्फ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उन तमाम सारी यूनिवर्सिटी की लड़ाई को मजबूत करने जा रहे हैं जिन तक शायद मीडिया तक नहीं पहुँच पा रही है। आज अगर हमारे पास ये स्पेस है जहाँ पे मीडिया हमें सुन पा रही है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी और JNU ऐसे ऑफिस बेरस ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा उन सारे तमाम लोगों के बारे में बताने के लिए। असम में, तेजपुर में कॉटन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं CA और NRC के खिलाफ, और आप देखिए वो क्या हो रहा है उनके साथ। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द कंट्री कि युवा जहाँ पे बात रख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है, और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर के तरह यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इधर घुस जा रहे हैं और लड़ ले रहे हैं, और जहाँ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उनको वो एक्ट ही नहीं
नहीं कर रहे और गुंडों को घुसा रहे हैं। ये बताइए, जो वीडियो सामने आया उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि आप वहाँ पे खड़ी हैं और साथी में वहाँ पर पीछे जो लोग हैं उन्होंने नकाब पहन रखा है, उनको नकाब पहनने की जरूरत क्या पड़ी है पहली चीज। दूसरी चीज, लोग कन्यार होस्टल की तरफ पथराव करते हैं, उनके हाथ में लाठी है, उसमें झुनझुन है, आपके वो प्रकाश मिश्रा है, तो ये लोग वहाँ क्यों खड़े? पंकज मिश्रा, पंकज ऐसा बोला जा रहा है? नहीं वो दिख रहे हैं। देखिए मैं बहुत क्लियरली पहले भी आराम से मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत पहले भी ये सारे बहुत सारे मीडिया से मैंने बोला है कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को जब पता चला कि देर आर एसओएस मैसेजेस एंड कॉल्स कमिंग कि पत्थर बेल्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके तहत हम लोग उस जगह पे पहुंचे थे। मैं खुद पहुंची थी देखने के लिए क्या हो रहा है, और उसके बाद भी पुलिस को कंटिन्यूस कॉल्स जा रहा था। लेकिन नकाब क्यों पहना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने नकाब पहना था। एक मिनट, मैंने नकाब पहना था। अरे अरे मैंने नकाब, सुन लीजिए। अरे आप तो जवाब देना भी नहीं है, कम से कम ये पेशेंस तो दिखाइए। लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं। अरे आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो पुलिस बोल रहे हैं। मैंने नकाब पहना था, मेरे हाथ में रॉड था, मेरे पीछे सामने भी था, मेरे सामने पीछे रहेगा, तो मैं क्या नकाब खोल के तब देखूंगी? वो आपके साथ है। तो अरे आपके पास कहां से एविडेंस है? आपने इन्वेस्टिगेट किया है? अरे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि उनके पास एविडेंस है? अगर वो वीडियो बनाया जाता जिस दिन मैं साबरमती में दौड़ रही थी और मेरे पीछे नकाब वाले लोग मुझे मारने के लिए भाग रहे थे, उसमें भी तो आप यही बोलते ना, आपके पीछे लोग, आप तो लीड कर रहे थे मॉब को। क्योंकि मैं तो पीछे आयरन रॉड लेके सामने दौड़ रही थी कि भाई मेरा जान बचे, और साबरमती में मुझे ही घेर के पीट दिया। तो आप तो बोलते फिर अगर वो तब तक का वीडियो आ जाता जूम करके, देखिए आईसी घोष लीड कर रही है नकाब घोष मॉब को, पूरी को मार रही है, और फिर खुद डंडा लेके मेरे सर पटक दिया। मुझे कुछ ऐड करना है इसी, यही सवाल है। एक मिनट सुन लीजिए मेरा। देखिए पहला बात तो ये कि ऐसा कौन इंसान है जो कहता है पहले पुलिस को 3 बजे कि आप आइए कैंपस में, नकाबपोश लोग डंडा लेके जमा हो रहे हैं, फिर वही नकाबपोश लोग डंडा लेके जा रहे हैं। वो आप बोल रहे हैं कि वही इंसान जो पुलिस को बुलवाया है वो उस मॉब को लीड कर रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो दिल्ली पुलिस से सीधा सीधा है, ऐसा कौन सा फेशियल रिकॉग्निशन का आपका सॉफ्टवेयर है जो ब्लर वीडियो को आइडेंटिफाई करता है, और जो क्लियर फोटो हम लोग दे रहे हैं उसको अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। और सीधा सीधा बात, जो वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाए है, सेम एबीवीपी का एक घटिया पर्चा, एक घटिया पीडीएफ ये लोग सर्कुलेट कर रहा है 3 दिन से, ये ब्लड फोटो है, सेम कॉपी पेस्ट करके ये लोग प्रिंट करके चला रहा है। रजिस्ट्रेशन रोकते समय गीता कुमारी का जो वीडियो है उसमें क्या गीता कुमारी नहीं दिख रही? वो रजिस्ट्रेशन क्यों रोका गया? वो रजिस्ट्रेशन रोकने का वीडियो है। गीता तुम बोलो। मुझे लग रहा है इनका प्रश्न एकदम सही प्रश्न है, इसको सबका जो कंफ्यूजन है वो चला जाएगा। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कॉल दिया था भाई बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन, और सबको ही जानता है कि जेएनयू में अगर कोई रजिस्टर, आपके वाइस चांसलर खुद बोल रहे हैं हमारे कि 3,500 स्टूडेंट ने रजिस्टर कर लिया, तो कैसे रोका मैंने? कैसे रोका भाई साहब? काम कर रहा था, रोक लिया तो 3,500। और आप एक बात बताइए कि 5 जनवरी को सर्कुलर दायर होता है सीआईएस से, सब स्टूडेंट को मेल आता है, वो कैसे होता है अगर सर्वर खराब है तो? 4 तारीख को 5 दिन को रोज सर्कुलर आ रहा है। अरे सुनने दो यार, देखिए बाकी के मीडिया के लोग भी हैं, बाकी लोग सवाल लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस। अरे भाई किसी एक के लिए तो ये एक मिनट लास्ट क्वेश्चन आपसे। अरे एक सेकंड यार, लास्ट और भी तो लोग हैं, उन लोगों का भी सवाल है, सबको तो लेना पड़ेगा। चुप रहो यार। कर रहे हैं, कुछ ना पूछने
अरे यार शांत हो जाओ। आज सुबह भाई सबको आया है, सबका वाइस चांसलर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ले रहे हैं। आप लोगों को कोई इंटीमेशन इसके बारे में आया? डू यू नो हु द स्टूडेंट्स वर और व्हाट हैपेंड? हमें एकदम नहीं पता। उठा नहीं 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 हमें कोई मैसेज नहीं आया। देखिए कभी भी फॉर्मल कोई नोटिस आता है वाइस चांसलर की तरफ से या कहीं से भी, वो फॉर्मली सर्कुलर भी आपके सामने वेबसाइट में दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट को पता है। कोई भी मीटिंग इससे पहले भी जब ढोंग के तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को बुला लिए तब भी उसको प्रचार तो जरूर किया था। उनका प्रचार का बिजनेस बहुत अच्छा है तो ये मैं बता देती हूँ। लेकिन आज जो चुपके चुपके मीटिंग कर लिया ना जी, मुझे तो मीडिया से पता चला। मैं खुद अपनी एम्स में गई थी, सबको एम्स में गई थी अपना काम करवाने। मेरा बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहा था आज सुबह। एम्स जब गई तब मुझे मीडिया वाले पकड़ के बोल रहे, अरे स्टूडेंट्स को बुलाया आप नहीं गए। मैंने बोला मुझे तो कोई खबर ही नहीं है। और फिर हमें पता चला कोई भी ऑफिस बेरोज को खबर नहीं है। और हमने इस पे एक पहले फॉर्मल नोटिस भी दिया, उनको फॉर्मल लेटर भी दिया है कि आप हम लोग को फॉर्मली इनवाइट कीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इनविटेशन हमको नहीं दिया है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। इसके पहले भी वो लोग एबीवीपी के लोगों से मिलते रहे हैं, उनके साथ चाय पकौड़ी होता रहा है। हो सकता है भाई वही लोग चाय पकौड़ी। एक चीज मुझे ऐड करना है, हाईकोर्ट ने दो बार ऑर्डर दिया है कि वाइस चांसलर स्टूडेंट से मिलके बातचीत करके इसको रिजॉल्व करे। हमने भी दो बार यही ऑर्डर कोर्ट करते हुए लेटर भी दिया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई मीटिंग का फॉर्मल नोटिस नहीं आया है। आज की मीटिंग में जो स्टूडेंट थे उसमें से एक स्टूडेंट नॉन एबीवीपी का एक सिंपथाइजर एक्टिविस्ट है, शायद वो पश्तो में है, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ उसको, बट एक एबीवीपी का है ये हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी क्योंकि वीडियो का एंगल ऐसा था कि लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था तो उसको ध्यान से देख के हम लोग बताएंगे उसके बारे में। एक सवाल है कि